नमस्कार, मैं डॉक्टर धन दीपक अम्रपाली संस्थान में कार्यरत हूँ। एक बार फिर से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत मजबूती रखता है नॉर्मलाइजेशन से पहले। अगर आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ना चाहते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना नॉर्मलाइजेशन पर काम करना संभव नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। आफ्टर हैविंग दिस लेक्चर यू विल फाइंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑन द टॉपिक फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर श्योर। एंड अबव ऑल दिस लेक्चर विल प्रोवाइड यू द सॉलिड बेस टू लर्न नॉर्मलाइजेशन। जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं आपको समझ में आ जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन को पढ़ना आसान हो जाता है और उसके लिए एक सॉलिड बेस, एक मजबूत आधार आपके लिए तैयार हो जाता है। तो ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम तीन सब टॉपिक कवर करेंगे। एक है, पहला है एट्रीब्यूट्स, दूसरा है फंक्शनल डिपेंडेंसी, तीसरा है ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल रिलेशनशिप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एट्रीब्यूट्स से। एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेबल। टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। और एक टेबल को अगर मैं एक ऑब्जेक्ट कहूँ तो उस ऑब्जेक्ट में, रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अपना कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसी डेटाबेस में अगर आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। इसको हम कॉलम नेम भी कहते हैं। इन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ टेबल ऑर्गेनाइजेज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें RDBMS की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिलेशनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें टेबल जब हम बनाते हैं तो टेबल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दो आस्पेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, रोज़ एंड कॉलम पे। जब रोज़ और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो एक सेल जनरेट होता है और वो सेल एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू रखने के लिए इस्तेमाल में आता है। द कॉलम्स आर नोन एज, एंड दीज कॉलम्स, जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, वो कॉलम्स कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। और जो रोज होते हैं उनको हम, जो रोज होते हैं एक सिंगल रो को अगर मैं कहूँ तो उसको क्या कहेंगे हम, रिकॉर्ड या टपल। तो अगर मेरे पास 25 रोज हैं तो इसका मतलब वी हैव 25 रिकॉर्ड्स और 25 टपल्स। एन एट्रीब्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। अब टेबल का करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं उसको, एट्रीब्यूट को। तो एट्रीब्यूट क्या है, वो टेबल का एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है जो एक्चुअली टेबल को पूरा कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। और उसको हम फील्ड और कॉलम नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो रेक्टेंगल बॉक्स में दिखा रखा है उसको हम टेबल कह रहे हैं। वो एक एंटिटी है, उस एंटिटी की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अपना करेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर, यहाँ पर हम उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हमने कौन कौन से लिया है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, एंड डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर जो ओवल शेप में आपको दिख रहा है वो दोज आर कॉल एट्रीब्यूट्स, यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब एम्प्लॉय की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ पर उसको हम एट्रीब्यूट करते हैं, या कॉलम नेम, फील्ड नेम, कुछ भी कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। हेयर ऑल द अबव शोन ओवल शेप पिक्चर्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी, नाउ व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, इंटर रिलेशनशिप अमंग एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। अब जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स की जानकारी दी, वो एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन अ टेबल व्हेन वन एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमिन्स अनदर एट्रीब्यूट इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये रिलेशनशिप है कैसी, एक एट्रीब्यूट अगर अपने डेटा के हिसाब से किसी और एट्रीब्यूट को ढूंढने में या सर्च करने में काम कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो उसको, उस रिलेशनशिप को, उस डिपेंडेंसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और ये जो थ्योरी थी वो बॉयस स्कॉट साहब ने दी थी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब, हम आगे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने एक रिलेशन लिया है, दैट मीन्स एक टेबल लिया है। लेट्स टेक एन रिलेशन कॉल्ड पी हैविंग एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। वो पी एक ऐसा टेबल है, रिलेशन है, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट है ए और बी। ए एरो बी जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो एरो से रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको ए डिटरमिन्स बी, और वी कैन ऑल्सो से बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए।
जो बी है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है वो ए पर, ए जो है बी को ढूंढने में काम करता है, ए यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, बी को। तो ए यहाँ पर डिटर्मिनेंट कहलाता है, डिटर्मिनेंट सेट है, और जो बी है वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। अब डिटर्मिनेंट सेट का क्या मतलब है कि सिंगल नहीं है, किसी भी टेबल में अगर एक से ज़्यादा है तो वो ऐसे डिटर्मिनेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर हमने दो ही लिए हैं, तो ए इज़ अ डिटर्मिनेंट सेट और बी जो क्या है वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशन को हम थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं, समझाते हैं आपको। इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इक्वेशन बट नॉट रेफरिंग एनी मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग कॉल्ड फंक्शन एफ एक्स सच दैट ए डिटर्मिन्स बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए को मैं टेबल में सर्च करके उसकी वैल्यू के हिसाब से मैं बी को सर्च कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ए में कोई वैल्यू पुट करूंगा और बी कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं। ए डिटर्मिन्स बी का क्या मतलब है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ए वी कैन सर्च द वैल्यू ऑफ बी इन अ टेबल एज शोन इन अनदर स्लाइड, आई विल शो। इट डजेंट मीन इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ए देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब बेसिकली होता क्या है कि ए की वैल्यू आप पुट करें बी का आंसर आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए डिटरमिन्स बी का क्या मतलब है, ए का वैल्यू अगर आपको मालूम है तो टेबल में ए के वैल्यू के हिसाब से आप बी की वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन अ टेबल। हमने तीन टेबल लिए हैं, तीनों में अलग अलग डेटा डाला है और समझाने की कोशिश करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ पर होल्ड करती है, कहाँ पर नहीं करती है। पहला टेबल देखते हैं, उसमें हमने जो वैल्यूज पुट करी हैं वो ए कॉलम में हमने लिखा 1 2 3 और बी में लिखे हमने 4 5 6। दूसरे में हमने लिखा है 1 2 1 ए में और बी में लिखे हैं 4 5 6। थ्री में लिखा है हमने 1 2 1 और बी में लिखा है 4 4 4 5 4। पहला टेबल को हम एनालाइज करते हैं। सो इन अ टेबल 1.0 वी कैन सर्च द वैल्यू ऑफ बी, हमें बी की वैल्यू को सर्च करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ए, मीन्स ए डिटर्मिन्स बी। हमें ए डिटर्मिन्स बी को यहाँ पर हमें देखना है कि वो एफ डी होल्ड करता है कि नहीं करता। तो पहली वाली टेबल में वो होल्ड करता है, क्यों? देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर जो डिटर्मिनेंट है अगर उसका वैल्यू यूनिक है आपके किसी भी टेबल में, फिर तो आपकी एफ डी होल्ड करेगी ही करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से डिटर्मिनेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो दूसरी बात क्या देखी जाती है कि जो एक से ज़्यादा बार डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम है बी के वैल्यू या फिर अलग अलग है। अगर वो सेम आ रही है तो एफ डी होल्ड कर रही है, और अगर वो सेम नहीं आती है तो एफ डी होल्ड नहीं करता है। हम एग्जाम्पल देते हैं, पहले वाले टेबल देखिए, जो 1 2 3 जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो अभी जो डेटा फीड करा गया है इसमें वो यूनिक है। अगर वो यूनिक है दैट मीन्स कि यहाँ पर एफ डी होल्ड करता है। इसका मतलब मैं 1 के माध्यम से बी की वैल्यू 4 को सर्च कर सकता हूँ। अब 1 से हमेशा 4 ही सर्च होगा इसमें, एक्यूरेटली मैं सर्च कर सकता हूँ। सेकेंड टेबल में आप चेक करो, 1 2 बार है, एक से ज़्यादा बार है, डुप्लीकेसी है, लेकिन 1 की वैल्यू पहली बार में वो 4 सर्च कर रहा है, दूसरी बार 1 की वैल्यू वो 6 सर्च कर रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये सही रिजल्ट आपको नहीं दे रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ए डिटरमिनेंट बी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो होल्ड नहीं करती है, क्योंकि ए 1 से हमेशा एक ही वैल्यू आपका सर्च होकर आना चाहिए, दो नहीं। यहाँ पर 1 से 4 भी आ रहा है और 1 से 6 भी आ रहा है, तो यहाँ पर एफ डी होल्ड नहीं करती है। तीसरी टेबल में भी 1 आपका 2 बार है, दो बार है, लेकिन दोनों बार जो बी की वैल्यू है वो सेम सर्च कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो उसकी सर्च होके वैल्यू कौन सी आएगी, 4 आएगी। वेरी नाइस। तो 1 से दूसरी बार मैं सर्च कर रहा हूँ, फिर क्या वैल्यू आ रही है, 4। इसका मतलब यहाँ पर एफ डी होल्ड करती है। तो पहले टेबल में एफ डी होल्ड करती है, दूसरे में नहीं होल्ड करती है, तीसरे में होल्ड करती है। तीसरे वाले पहले वाले जो टेबल है उसमें तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो यूनिक है। सेकेंड वाली टेबल में डिटर्मिनेंट यूनिक नहीं है और वो सर्च करके भी आपको यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए एफ डी होल्ड नहीं करती। थर्ड वैल्यू में, थर्ड टेबल में आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 2 बार है, लेकिन स्टिल वो सर्च करके हमेशा ए की वैल्यू दे रहा है बी की, तो इसका मतलब एफ डी होल्ड करती है। दैट्स वाई कि वहाँ पर दो टेबलों में एफ डी होल्ड कर रही है, तीसरे में नहीं करती। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो कंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, इफ एंड ओनली इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद ओनली 1 वैल्यू ऑफ बी इज टर्म्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर ए की किसी भी ए की वैल्यू, मतलब ए कॉलम की किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर मैं बी की वैल्यू सर्च कर रहा हूँ तो हमेशा ए की आनी चाहिए। जैसे 1 के लिए 4 आ रहा है तो 1 के लिए कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। 1 के लिए अगर 4 आ रहा है तो कहीं और पे दोबारा अगर 1 रिपीट होता है ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू वही आनी चाहिए जो पहले आई थी, तब तो फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद ओनली 1 वैल्यू ऑफ बी इज टर्म्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी।
Next, trivial and non-trivial relationship. Now, what is trivial? Trivial means not important and non-trivial means important. Means functional dependency, jab hum find out karte hain, FD search karte hain, to hamesha non-trivial relationship ko dekha jata hai, na ki trivial. Example hai, jaise pehle usme example liya humne trivial mein, A, B determines A. सेकेंड में लिया है ए बी डिटरमिन्स सी. अब ए बी डिटरमिन्स ए का मतलब क्या है कि ए बी खुद ही ए को ढूंढ रहा है. दैट मीन्स कि जो राइट हैंड साइड पे जो ए है दैट इज अगेन अ सबसेट ऑफ ए बी. अब ए बी खुद ही को ए ढूंढ रहा है तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ए बी तो मुझे पहले से मालूम है, मैं ए को ढूंढ के क्या फ़ायदा कर लूँगा. तो इसका मतलब इट इज़ कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशनशिप. और हमें इसको सर्च करना नहीं होता, हमें ऐसी चीज़ सर्च करनी होती है जो हमको नहीं मालूम है, जैसे ए बी डिटरमिन सी. अब ए बी मिलकर सी एक डिफरेंट वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ कॉल्ड इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. एंड हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक्चुअली नॉन ट्रिवियल रिलेशनशिप को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी को सर्च किया जाता है. तो वी नो नीड टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ ट्रिवियल रिलेशनशिप इन फंक्शनल डिपेंडेंसी. वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट द नॉन ट्रिवियल रिलेशनशिप इन फंक्शनल डिपेंडेंसी. दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अब हम एक ओवरऑल एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे हम सर्च करेंगे, सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है. तो हमने एक टेबल लिया है जिसमें तीन कॉलम है, ए बी एंड सी. ए में हमारी वैल्यूज़ हैं 1, 1, 1 एंड 3. बी में है 4, 5, 6, 2. सी में है 2, 3, 2, 2. नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है वेदर द बिलो ऑप्शंस आर होल्ड्स फंक्शनल डिपेंडेंसी एज पर द टेबल 1.3 और नॉट. तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं. पहला ऑप्शन क्या है, ए बी डिटरमिन सी. लेट्स सी, अब ए बी अगर हमारा डिटरमिनेंट है और सी डिपेंडेंट है तो ए बी डिटरमिनेंट को हम चेक करेंगे क्या वो यूनिक है. अब 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी टेबल में यूनिक है. अगर वो यूनिक है दैट मीन्स कि इट होल्ड्स फंक्शनल डिपेंडेंसी. इसका मतलब 1, 4 की वैल्यू हमेशा 2 ही आने वाली है, कोई और नहीं आने वाली. दैट मीन्स कि पहले का ऑप्शन का जो आंसर है वो ट्रू है कि इट होल्ड्स फंक्शनल डिपेंडेंसी. सेकेंड वन देखते हैं, सी डिटरमिन्स बी. अब सी में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक नहीं है. 2 जो है हमारा 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है और वो बी को फाइंड आउट कर रहा है. लेट्स सी, 2 से मैं बी को सर्च कर रहा हूँ तो पहली बार 2 से सर्च होके बी के आ रहा है हमारा 4. नेक्स्ट टाइम देखिए 2 से सर्च होके आ रहा है 6. फिर नेक्स्ट से हमारा 2 से सर्च होके आ रहा है 2. दैट मीन्स कि इट नेवर, इट इज नॉट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी. ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करती है ये रिलेशनशिप. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन फॉल्स होगा. थर्ड ऑप्शन है बी सी डिटरमिन्स ए. अब बी सी का कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो डिटरमिनेंट है और जो ए है हमारा वो डिपेंडेंट है. तो लेट्स सी, 4, 2 का कॉम्बिनेशन यूनिक है, 5, 3 का कॉम्बिनेशन यूनिक है, 6, 2 का कॉम्बिनेशन यूनिक है, 2, 2 का कॉम्बिनेशन यूनिक है. दैट मीन्स कि इट होल्ड्स फंक्शनल डिपेंडेंसी, नो इशू. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी इज यूनिक टू ऑल रिकॉर्ड्स. नाउ फोर्थ वन, बी डिटरमिन्स सी. अब बी की वैल्यूज हम देखेंगे तो 4, 5, 6, 2 ये ऑलरेडी यूनिक वैल्यूज हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है, हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अब 4 से 1 आ रहा है तो अब कहीं और 4 से कोई और वैल्यू नहीं आएगी. इस तरीके से हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को सर्च करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वो होल्ड करता है कि नहीं करता. ये नॉर्मलाइजेशन में आपको काम आता है. इसका फायदा क्या है कि हम मिनिमम रिकॉर्ड्स में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, रिडंडेंसी बचा सकते हैं. तो ये बेसिक चीज़ है फंक्शनल डिपेंडेंसी की. दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी. धन्यवाद.